वेलकम फ्रेंड्स, मैं पंकज कुमार गुप्ता चंदा इंस्टीट्यूट में आनंद यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आज जो है रीजनिंग का बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है आर ओ ए आर ओ के लिए एज, जिसको हिंदी में हम आयु से संबंधित प्रश्न बोलते हैं। आयु बच्चों, यह एक ऐसा टॉपिक है जो आपके किसी भी एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन जरूर पूछता है। इसको जानने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एज क्या होता है और एज के जो प्रॉब्लम होते हैं उसको हम अपने दैनिक जीवन में कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो पहला टर्म आता है वो होता है आफ्टर। बच्चों, आफ्टर को हम यदि हिंदी में बाद बोलते हैं, यदि किसी प्रश्न में बाद शब्द दिया हो या इंग्लिश में आफ्टर दिया हो उसके लिए हम प्लस साइन यूज करते हैं। दूसरा होता है बिफोर, दूसरा होता है बिफोर जिसको हम हिंदी में पहले यूज करते हैं, जिसको हम माइनस से रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए बच्चों, और तीसरा जो पॉइंट होता है वो बता देना चाहता हूँ कि यदि ए और बी का जो प्रेजेंट एज है, जो वर्तमान उम्र है, अगर यदि ये 10 वर्ष का है और ये 20 वर्ष का है, तो याद रखना बच्चों, इन दोनों व्यक्तियों के बीच जो आयु का गैप होता है वो कभी नहीं बदलता। जैसे देखो एग्जाम्पल के तौर पर, ए जो है यदि 10 वर्ष का है, बी 20 वर्ष का है, तो ये 10 वर्ष बाद भी ये 20 वर्ष का हो गया और 10 वर्ष बाद ये कितने का हो गया, 30 वर्ष हो गया। तो यहाँ भी गैप कितने का है, 10 का है, और यहाँ भी गैप कितने का है, 10 का है। इसी को मैं बेसिक टूल्स मान करके किसी भी क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड के अंदर जो है आप कैसे सॉल्व करते हो उसको मैं आपको करने बताऊंगा। याद रखना बच्चों, आप जो है उम्र का गैप हमेशा बराबर करना। यदि मान लेते हैं 10 और 20 दिया हुआ है, तो यदि मैं 10 वर्ष पीछे भी जाऊं तो देखो अभी ये 0 का हो गया और ये कितने का है, 10 का है। तो इसके बीच भी जो उम्र का गैप है वो कितने वर्ष का है बच्चों, 10 वर्ष का है। और इसी जो है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट को जो है हम किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने में अप्लाई करेंगे। जैसा कि मैंने पहला एग्जाम्पल लिया हुआ है कि वर्तमान में पिता एवं पुत्र की आयु का अनुपात एक संबंधे 2 है, 20 वर्ष बाद पुत्र और पिता की आयु का अनुपात 3:4 हो जाता है। आगे लिखा हुआ है, तो बताइए 5 वर्ष पूर्व पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी और उनका अनुपात क्या होगा। बच्चों, इस एक प्रश्न में 2 प्रश्न छुपा हुआ है। पहला प्रश्न ये पूछ रहा है कि पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी, और दूसरे प्रश्न में पूछ रहा है कि उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो बच्चों, इसको जो है हम ये जो बेसिक फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया है उसके बिहाव पर जो है इसको हम सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पे सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा, ये रहा सन और ये फादर। सन को मैं एस लिख रहा हूं और फादर को एफ। बच्चों, यहां दिया हुआ है कि पिता और पुत्र की जो वर्तमान आयु का अनुपात है वो 1:2 है। 1:2 कितना है बच्चों, 2। देखो, वर्तमान को मैं पी मान ले रहा हूं, वर्तमान को मैं प्रेजेंट मान ले रहा हूं। अब बोल रहा है कि 20 वर्ष पश्चात, यहां जो है 20 वर्ष बाद की बात कर रहा है, उनके आयु का जो अनुपात हो जाता है वो 3:2 कितना हो जाता है बच्चों, 4 हो जाता है। अब आप देखोगे, मान लेते हैं जो सन है वो 1 वर्ष का है और फादर कितने का है, 2 वर्ष का है, तो इनके बीच आयु का गैप कितने वर्ष का है, 1 वर्ष का है। ठीक है, कुछ वर्ष बाद देखो, मेरे लिए 20 वर्ष बाद ये 3 साल का हो जाता है और ये कितने साल का हो जाता है, 4 वर्ष बाद 4 का हो जाता है। लेकिन बच्चों, हमें इसको 1 वर्ष मान लिया है और इसको 2 वर्ष मान लिया है, तो ये 3 वर्ष हो जाएगा और ये 4 वर्ष हो जाएगा। यहाँ भी गैप कितने का है, देखो 1 वर्ष का है। तो हमारे लिए जो ये लॉजिक है बिल्कुल काम कर गई, क्योंकि सन और फादर के बीच जो है उम्र का गैप 1 वर्ष और यहाँ भी सन एंड फादर का उम्र का गैप 1 वर्ष है, तो कुछ नहीं करना है। बताओ बच्चों, वर्तमान में ये 1 वर्ष का था तो 3 वर्ष का कितने साल बाद हो जाएगा, तो आंसर आएगा भाई 2 साल बाद। अब ये हमारा 2 साल बराबर हो गया कितने के,
20 के हो गया। तो यहाँ पर एक टर्म मिल गया कि भाई जो मैंने 2 वर्ष माना है वो 20 वर्ष के क्या है, बराबर है, वर्ष वर्ष कट गया। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई। और इस एक वर्ष की यूनिट को 10 यहाँ हम पुट कर देंगे तो ये हमारा 10 गुना हो जाएगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा, ये भी 10 गुना हो जाएगा और ये भी 10 गुना हो जाएगा। ओवरऑल मैंने पाया क्या कि सन और फादर की जो प्रेजेंट एज है 10 वर्ष हो गई और पिताजी की उम्र कितनी हो गई, 20 वर्ष। ठीक है बच्चों, इसको जो है अब आपसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, यहाँ पे आ जाइए, 5 वर्ष पूर्व पुत्र और पिता की आयु कितनी होगी। बच्चों जब ये हमारा प्रेजेंट एज पता चल गया कि पुत्र यदि 10 साल का है तो 5 वर्ष पहले हम माइनस साइन यूज करेंगे यहाँ के बिहाव से, तो बच्चों ये कितने का हो गया, 5 वर्ष का हो गया। अब पिताजी भी 5 वर्ष पहले कितने के रहे होंगे, 15 वर्ष के रहे होंगे। ठीक है, ये हमारा पहले क्वेश्चन का सोल्यूशन मिल गया। आपका जो पूछा हुआ था कि पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी 5 वर्ष पहले, तो हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया 5 वर्ष और 15 वर्ष। अब आपसे पूछेगा अनुपात क्या होगा, तो 5 एकम 5 और 5 3 15 इनका अनुपात कितना होगा, 1 संबंधे 3। इस प्रकार से जो है बच्चों हम इस बड़े से क्वेश्चन को विद इन 2 या 3 सेकेंड में हम सॉल्व कर लेंगे। ये समझाने के लिए इतना लगा है, एक बार रिव्यू करा देते हैं आपको कि कैसे मैंने अटेम्प्ट किया, फिर से देख लीजिए ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो। बच्चों ये सन है और ये फादर है, मेरे लिए सन 1 साल का है, फादर 2 साल के हैं, कुछ वर्ष बाद जो है ये 3 वर्ष के हो जाते हैं और ये 4 वर्ष के हो जाते हैं। अब क्या करना है, इनके बीच आयु का गैप 1 है, इनके बीच भी आयु का गैप कितना है, 1 है, तो हमें कुछ नहीं करना है, हमारे लिए यहाँ उम्र का गैप 2 वर्ष है, 2 वर्ष बाद ये 3 साल के होते हैं, 2 नहीं कितना है, 20 है, ये 10 गुना है, तो ये भी कितना गुना हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा। बच्चों ये रेशियो का मेथड में अप्लाई करके जो है एज से रिलेटेड प्रॉब्लम को मैं सॉल्व करने का प्रयास कर रहा हूँ। देखो बच्चों अब आपके पास सन एंड फादर कितना फ्रिक्वेंटली जो है आपके पास आंसर मिल गया, 10 वर्ष 20 वर्ष 30 वर्ष और 40 वर्ष। अब आपसे यदि पूछे कि 5 वर्ष पहले, तो इसमें से 5 हटा देंगे, 5 वर्ष हो जाएगा। अगर आपसे पूछे कि 5 वर्ष पहले पिताजी कितने वर्ष के थे, तो 5 इसमें से घटा देंगे। ठीक है, ये हमारा आंसर मिल गया। और आपसे जो फाइनल आंसर पूछ रहा है कि उनका पिता और सन के आयु का अनुपात कितना होगा, तो देख लो बच्चों ये 5 और ये 15 एक संबंध कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये हमारा फाइनल आंसर है। बच्चों ये रहा आज का पहला क्वेश्चन जो कि ए से संबंधित था। और आपको एक दूसरा क्वेश्चन बताते हैं, आप याद रखना बच्चों जिसमें रेशियो नहीं लगेगा उसको आप बेसिक से करना और बहुत ही आसानी से आपके प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। एग्जाम्पल नंबर 2 की सहायता से मैं आपको समझाना चाहता हूँ। एक क्वेश्चन ये दिया गया है कि बी ए की आयु से बच्चों बी ए की आयु से, या इसको आप कोई भी टर्म मान सकते हो, ए बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है, 2 वर्ष अधिक है, और सी बी की आयु से, और सी बी की आयु से 2 गुना है, तो बताइए यदि ए बी और सी तीनों की आयु का योगफल यदि 27 वर्ष हो, तो बी की आयु क्या होगी,
देखो बच्चों, इसको हम रेशियो से नहीं सॉल्व कर सकते। क्यों? क्योंकि ये मल्टीप्लीकेशन नहीं दिया हुआ है, आपको कोई अनुपात नहीं दिया हुआ है, तो इसको हम बिल्कुल फंडामेंटल तरीके से करेंगे। इसलिए मैंने एक क्वेश्चन रेशियो का लिया है और एक क्वेश्चन फंडामेंटल मैथ्स का लिया हुआ है। अब आइए हम इसको सॉल्व करते हैं। बच्चों बोल रहा है कि ए, बी और सी तीन व्यक्ति हैं और ए की आयु जो है, बी की आयु ए से 2 वर्ष ज्यादा है। ठीक है बच्चों, तो एक काम करते हैं कि सी की आयु क्या मान लेते हैं, एक्स मान लेते हैं, और बी सी से 2 गुना है। बी सी से 2 गुना है, देख लेते हैं एक बार। ए बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है और सी बी की आयु से 2 गुना है। ठीक है, यदि जो है सी की आयु हम 2x मान लेते हैं तो बी की आयु क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा। क्यों बच्चों? यदि बी की आयु हम x मानेंगे तो c उसका 2 गुना है, तो ये कितना हो गया, 2x हो गया। और a जो है b से 2 वर्ष क्या है, अधिक है। देखो यहां पे लिखा हुआ है a b की आयु से 2 वर्ष अधिक है, तो ये जो है हमारा x प्लस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिया हुआ है कि a प्लस b प्लस c कितने साल का, 27 वर्ष हो रहा है, तो यहां हम एज को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। अब यहां से 1, 2 एंड 2 ये हो गया हमारा 4x हो गया, और यहां पर हमारा जो है 27 माइनस 2 हो गया। ठीक है बच्चों, तो यहां से जो है x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 27 में से 2 हटाएंगे कितना आ जाएगा, 25 आ जाएगा। याद करना बच्चों, ये जो है यदि कटने वाला नहीं है, ये एक ऐसा ऑड टर्म आ गया है जो कि 4 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे अब देखो। तो ऐसे क्वेश्चन में आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, इजी क्वेश्चन होता तो यहाँ 25/4 ये कट जाता, अगर नहीं कट रहा है तो हम x की वैल्यू कितना रख देंगे, 25/4। अब आपको से क्या पूछ रहा है कि b की आयु कितनी होगी, तो b की आयु हो गई 25/4 वर्ष। बच्चों यदि आपसे पूछता है कि a की आयु कितनी हो गई, तो a की आयु हो जाएगी 25/4 + 2 वर्ष। इसको हम लोग सॉल्व कर देंगे, 4 × 8 = 25, 33/4 वर्ष। आपको ये लगता होगा कि क्यों नहीं कट रहा है। बच्चों इजी और डिफिकल्ट क्वेश्चन में सिर्फ इतना सा फर्क होता है कि जो डाटा आप आसानी से सॉल्व कर लेते हो वो आपको लगता है कि बहुत आसान है, लेकिन जो फ्रैक्शन में होता है आप ये सोचते हो कि मुझसे कोई गलती हो गई है। ठीक है, तो बच्चों इसका जो राइट आंसर है, जो बी की आयु की बात कर रहा है, वो हो जाता है 25/4 वर्ष। ठीक है, अब हम आगे आएंगे और एक और क्वेश्चन को ध्यान में रखकर सॉल्व करेंगे। बच्चों अब आगे जो है एक और क्वेश्चन लेते हैं और उस पर जो है आपको रेशियो के यूज करके हम आपको सॉल्व करने का तरीके को बताना चाहते हैं। जैसे देखिए, मान लेते हैं ए जो है और बी का क्वेश्चन ही है, ए और बी की आयु का जो अनुपात है वो 3/5 है। कितना है बच्चों, 3/5 है। कुछ वर्ष बाद यहां 15 वर्ष ले लेते हैं, 15 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3/5 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। ठीक है बच्चों, तो अब हमें पता करना है कि ए की और बी की वर्तमान आयु क्या होगी। ठीक है, कुछ नहीं करना है, इसके बीच हम गैप देख लेंगे, गैप कितने का है, 2 का है। इसके बीच हम गैप देख लेंगे, यहाँ गैप कितने का है बच्चों, 1 का है। अब मैंने आपको जैसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट बताया था कि दो व्यक्तियों के आयु के गैप में कभी परिवर्तन नहीं होता है, उसको हम बेस मान करके यहाँ 1 वर्ष का गैप है, यहाँ 2 वर्ष का गैप है, तो हम इसको बराबर करेंगे। यहाँ 2 का गुणा कर दिया, इसका मतलब हमें यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा और यहाँ भी 2 का गुणा करना पड़ेगा। अब देखो आपके सामने ये क्वेश्चन बनकर तैयार हुआ है, ये 3 है और ये 5 है, ये 6 है और ये 8 है। बच्चों मेरे हिसाब से ए जो है वर्तमान में 3 वर्ष का था और बाद में कितने साल का हो गया, 6 वर्ष का हो गया, तो इसके बीच का अंतर कितना हो गया, 3 हो गया। लेकिन क्वेश्चन में 3 तो दिया नहीं है, कितना दिया हुआ है बच्चों, 0.8। दिस
देखो 15 वर्ष दिया हुआ है, तो ये 3 नहीं है, कितना है 15 हो गया, तो ये 5 गुना है, तो ये भी 5 गुना हो जाएगा, ये भी 5 गुना हो जाएगा, ये भी 5 गुना और ये भी 5 गुना, और हमारा जो है आंसर आपको प्राप्त हो गया। क्या प्राप्त हुआ? ए और बी, 5 तिया 15 साल का वर्तमान में है और बी जो है 25 साल का है। अब देखो बच्चों 15 वर्ष बाद ये कितने साल का हो जाएगा? 30 वर्ष का, और ये कितने का हो गया? 40 वर्ष का। इस प्रकार से ऐसे क्वेश्चन को हम रेशियो मेथड से बिल्कुल आसानी तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों ये रहा आयु से संबंधित 3 प्रश्न का डेमो वीडियो, जो कि जो है आपको यह हेल्प करेगा कि आयु से संबंधित प्रश्नों को हम आसानी से कैसे सॉल्व कर सकते हैं। बच्चों आपको ये वीडियो कैसा लगा, और आपको कोई भी क्वेरीज हो, कोई भी शंका हो, तो आप जो है आप मुझे 8299310097 पर व्हाट्सअप कर सकते हो। बच्चों यदि आप मुझे व्हाट्सअप करते रहोगे, आप मुझे मेरी कमियों को बताते रहोगे, तो मैं उसको इम्प्रूव करता रहूँगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट कीजिएगा इस व्हाट्सअप नंबर पे, और तब तक के लिए नमस्कार।